देखिए नंबर सिस्टम को हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक बच्चा है और बच्चे को सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, काउंटिंग। कैसे सिखाते हैं एक बच्चे को काउंटिंग? जब हम शुरू में घर में उसे सिखाते हैं क्या सिखाते हैं, 1 2 3 4, यही काउंटिंग सिखाई जाती है। तो ये जो काउंटिंग सिखाई जाती है ये बेसिकली काउंट करने के पर्पज से, गिनने के पर्पज से, कि हम उसके आगे पेंसिल्स रख देते हैं बच्चे के आगे और काउंट करते हैं कि बताओ ये कितनी है। फिर यहाँ से आपका नंबर सिस्टम आया और ये जो 1 से 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग जाती है इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब मैथ्स है क्या? एक तो हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए और हमारे चार ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसमें आपका जो है ये सारी चार ऑपरेशन है जो हमें करने हैं। अब मान लीजिए आपको काउंटिंग आती है 1 2 3 4, बस इतना ही पता है। ठीक है, अब हम जब आपको देंगे 2 + 3 आप फटाफट आंसर कर देंगे 5, फिर हम पूछेंगे 4 - 3 आप आंसर कर देंगे 1। ओके, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन 2 - 2, क्योंकि हमारी काउंटिंग तो शुरू हो रही है 1 2 3 4 से, तो 2 - 2 क्या होगा वो हमें नहीं पता। ओके, तो हमने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जीरो। भाई जैसे एक बच्चे के पास दो टॉफी, उसने दोनों ही खा ली तो कितनी बची? कुछ भी नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट आया आपका जीरो और इस 1 के आगे हमने लगा दिया 0। तो अब हमारा बन गया 0 1 2 3, ऐसे आगे काउंटिंग जाती जाएगी और ये हमारे पास सेट आ गया होल नंबर्स का। ओके, ये हमारे होल नंबर्स बन गए। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं? होल नंबर्स। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं। ओके, अच्छा अब हम फिर से वही ऑपरेशन करते हैं। अब देखो 2 + 7 = 9 हमें पता है, 2 - 2 = 0 भी हमें पता है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी सबट्रैक्ट 10 from 5, यानी 5 - 10, अब हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें एक और सेट की जरूरत पड़ी जिसमें हम इसका आंसर ढूंढ सके। ओके, तो अब हमारे पास हमने नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये 0 1 2 3 आ गए तो ये होल नंबर्स हैं। लेकिन अब लेफ्ट साइड में भी आप जाएंगे तो आपके पास है -1 - 2 - 3। ओके, अब ये जो हमारा सेट है ये हमारा है इंटीजर्स और आप देख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो ये नंबर्स का आपको जानने का बहुत जरूरी है। चलिए अब अगर हम आप इंटीजर में आए तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ओके, -5 वी गेट हियर इन दिस इंटीजर्स एट -5। ओके, व्हाट हैपेंस 2 - -3 भी हमारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। तो इंटीजर के सेट तक आने तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, बट व्हाट अबाउट डिवीजन? इफ आई डिवाइड -10 by 3, दिस इज लाइक दिस, अब क्या होगा? अब दिस नंबर इज नॉट इन इंटीजर सेट। ओके, -10 हमें तो पता ही नहीं, तो इस केस पे हमें फिर से एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और आपका जो 9th है फर्स्ट चैप्टर वो दो टॉपिक पे बेस्ड है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और आज की पूरी क्लास में मैं तुम्हें यही बताऊंगी रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इज अवर रैशनल नंबर। ओके, अब देखो रैशनल नंबर की एक डिफाइन ये है कि रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं p/q से। ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वो आपके इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
A number is in the form of p by q, where p and q are integers, and q should not be equal to 0. Because in maths, division by 0 is not possible. तो अब वो जो division वाला केस है, वो इसमें आराम से टैकल हो जाएगा आपके rational numbers. तो अगर आप देखें तो all rational numbers are integers, all rational numbers are whole numbers, and all rational numbers are natural numbers. अब आप कहेंगे कैसे? मान लो 5 है. 5 आपका नेचुरल नंबर भी है, 5 आपका होल नंबर भी है. अब आप पूछेंगे ये इंटीजर सॉरी ये वो कैसे है, आपका रैशनल नंबर कैसे है? रैशनल नंबर के लिए तो आपको पी बाई क्यू फॉर्म भी चाहिए. तो वी कैन राइट दिस 5 एज 5 अपॉन 1. कोई भी नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो रैशनल नंबर है, आप उसके नीचे अपॉन 1 कर दीजिए तो बन गई ना ये पी बाई क्यू वाली फॉर्म. और फिर क्या बन गया, ये आपका रैशनल नंबर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. देखो अब एक और डिफाइन है रैशनल नंबर्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जाने से पहले हम दो चीज तीन वो करेंगे. देखिए आपका 10 अपॉन 3, आप आंसर निकालेंगे क्या होता है 5. 10 अपॉन 3, दिस इज 3.33333 आपका जाएगा, 3.3 बार. वी कैन राइट दिस वन एज दिस. ओके, व्हाट इज रूट 2? एंड रूट 2 आपने 8 में मेथड सीखा है ना, रूट 2 निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का. तो वो क्या है आपकी वैल्यू, वो क्या है, वो आपको निकालनी है. तो वो क्या वैल्यू होती है, 1.414. और पूरा अगर आप मेथड लें और आप ज्यादा निकालें तो ये वैल्यू बहुत बढ़ी जाती है आपकी. ओके, तो अब इसमें हम जो करेंगे, ओके, ये वैल्यू है आपकी जो बहुत ज्यादा आगे तक और जाएगी, अभी पूरा मैं नहीं लिख रही. ओके, नाउ वी कंसंट्रेट ऑन दीज थ्री. ओके, अब आप इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं, एक 5 है जहां पे कंप्लीटली डिविजिबल है, एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है लेकिन पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट आ रही है, और एक पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन जो डिजिट्स हैं वो नॉन रिपीटिंग. जैसे अब इसमें तो मुझे पता है जितनी बार भी आपको लिखना है आप 333 लिखते जाइए. तो हमने जब किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तो हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तीन तरह की है, एक आई है टर्मिनेटिंग, एक आई है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकर, और इसमें हमारी आई है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड नॉन रिपीटिंग. और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकर. ये तीन डिफरेंस क्लियर हो गए आपको डेसिमल पॉइंट के. अब इसमें जो पहले हैं, पहले दो जो है वो आपका रैशनल, ओके, और जो लास्ट वाला है वो आपका इरेशनल. तो अब एक रैशनल नंबर भी डिफाइन ये है पी बाई क्यू, और एक रैशनल नंबर भी डिफाइन ये भी है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का वो ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, तो अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में भी दिए हो, जैसे मैंने ये दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अब ये क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इतनी ज्यादा डिजिट देख के ये मत देखो, यहाँ पे मेरा आगे नहीं जा रहा ना, तो दिस मींस दिस इज टर्मिनेटिंग, तो ये मेरा रैशनल नंबर है. क्या है ये मेरा रैशनल नंबर, लेकिन जैसे ही मैंने आगे इसके डॉट 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 डाल दिया अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या बन गया हमारा इरेशनल नंबर. क्या बन गया ये, इरेशनल नंबर.
और रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को मिला के एक पूरा नंबर सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो जितने भी अभी आप टेंथ तक नंबर पढ़ोगे, रूट वाले, अपॉन वाले, जो भी हैं, हम उसको एक ही सेट में रखते हैं रियल नंबर्स। अगर आप रूट, जिनकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते वो इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो 25, तो ये रूट देखते ही आप ये नहीं कहोगे कि ये इरेशनल नंबर है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5, तो दिस इज अवर रैशनल नंबर। अब जिनको हम नहीं फाइंड आउट कर पाते, डेसिमल में जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो चाहे आपकी स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, तो वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जिनको आप ऐसे सॉल्व कर लोगे वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये पॉइंट वाली रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या रैशनल नंबर होते हैं और क्या इरेशनल नंबर होते हैं।